हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू इंग्लिश आउट। आपने कल रिक्वेस्ट किया था कि मैम बीएचयू बीएड का सिलेबस लाओ, सो अब सिलेबस आएगा। आपने डिमांड किया है तो जो आप डिमांड करोगे वो आपको मिलेगा। सो आपने डिमांड किया था बीएचयू बीएड का सिलेबस। सो बीएचयू बीएड का 2022 में जो सिलेबस है उसका भी हम टेंटेटिव आइडिया देके आपको चल रहे हैं। ऑल्दो इसका जो सिलेबस है वो कुछ ईयर्स में थोड़ा बहुत चेंज हुआ है एंड अभी इसका फाइनल ब्रोशर नहीं आया, बट द आइडिया इज कि आपको एक आइडिया, एक जनरल आइडिया देना कि किस हिसाब से इसका सिलेबस आता है, ठीक है। सो अभी तक जो इसका फॉर्मेट रहा है पिछले साल तक, तो जो भी इसका आइडिया रहता है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जो बीएचयू बीएड का सिलेबस है, और हम थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं इसकी एलिजिबिलिटी पर कि कौन इसके लिए एलिजिबल है, कितने मार्क्स लाना कंपलसरी है, क्या पेपर का फॉर्मेट रहता है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं सबसे पहले मेन हाइलाइट्स। जो इसके मेन हाइलाइट्स हैं वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेपर होगा वो पेन पेपर फॉर्म में होगा, और मीडियम कैसा रहने वाला है इसका, इंग्लिश एंड हिंदी, दैट मीन्स इट इज अ बाइलिंगुअल एग्जाम। जो टोटल पेपर्स है इसमें आपको सिर्फ एक पेपर देना है, सिंगल पेपर। तो कई बार ऐसा होता है कुछ पेपर्स में कि हमें दो उसके टायर्स देने होते हैं, टायर वन एंड टायर टू, बट इसका सिर्फ एक एग्जाम होगा आपका। और क्वेश्चन टाइप, अगर हम क्वेश्चन टाइप की बात करें, देन देयर वुड बी अ मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ पेपर, जिसमें आपको हर क्वेश्चन के मल्टीपल चॉइस मिलेंगे। आप क्वेश्चन को देखोगे और ऑप्शन देंगे, उसमें से सिलेक्ट करोगे आप। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आर 100, तो 100 नंबर, आप 100 क्वेश्चन आपके पेपर में होने वाले हैं, जिसके लिए टाइम आपके पास रहेगा कुल 2.5 घंटे का, दैट इज 150 मिनट्स का टाइम। टोटल मार्क्स 300 है। जब हम ज्यादातर एग्जाम्स की बात करें तो उनमें क्या होता है, यूजुअली पर क्वेश्चन हमें 4 मार्क्स मिलते हैं। यूजुअली नीट का एग्जाम हो या जेई का एग्जाम हो, हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स होते हैं। तो अगर आप एक क्वेश्चन करोगे आपको 4 नंबर मिलते हैं, और अगर आप गलत करोगे तो नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर हम इस पेपर के बारे में बात करें तो पर क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता है तो आपका 3 नंबर आपको मिलेंगे, बट क्योंकि इस पेपर में भी नेगेटिव मार्किंग है, पर क्वेश्चन पे -1 मार्क्स डिडक्ट होंगे। इसके बारे में भी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि इसका मार्किंग स्कीम कैसा है, वो आने वाला है। इसका एक जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम एलिजिबिलिटी इसकी क्या है, जब आप ग्रेजुएशन में होते हो या मास्टर्स में होते हो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रहती है, आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाने हैं अपने ग्रेजुएशन में। आपको 10, एटलीस्ट आपको 10+2+3 का करना है, मतलब 10+2 इज 12 तक की पढ़ाई, और +3 यानी कि ग्रेजुएशन की 3 साल। तो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका, 50% मार्क्स आपके आने चाहिए आपके कंसिडरिंग ऑल द सब्जेक्ट्स इन द 3 ईयर्स। जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो आपके जो सारे सब्जेक्ट्स थे उसके अंदर आपका जो मेन सब्जेक्ट थे उनमें आपके 50% मार्क्स आने चाहिए, एंड दे आर रिक्वायर्ड एंड डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द टोटल इन द फाइनल मार्कशीट। ये आपके फाइनल मार्कशीट को के अंदर होने चाहिए। द एप्लीकेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 स्कूल सब्जेक्ट एट द ग्रेजुएशन लेवल। अब मान लो कि आप लोग लाइफ साइंस करके निकले हो या बॉटनी करके निकले हो, जूलॉजी करके निकले हो, सो 12th क्लास में भी आपके पास साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। 12th में आपके पास PCMB बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ों में कई कोर्सेज ऐसे होते हैं, कई बच्चे क्या करते हैं कि वो BA के होते हैं, BSc के होते हैं और BA में चले जाते हैं या BCOM में चले जाते हैं, तो अपनी स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आप सब्जेक्ट यहाँ पे चूज करोगे वो सब्जेक्ट आपने स्कूल लेवल पे भी पढ़ा हुआ है और ग्रेजुएशन में पढ़ा है। मान लीजिए आपने मैथ्स सब्जेक्ट लेना है यहाँ पर, तो मैथ्स आपने आपका BCOM वाले कोर्स में आ जाता है, प्लस BSc में भी आ जाता है। मतलब कि 12th क्लास की अगर हम बात करें, 12th क्लास में मान लेते हैं आपके पास साइंस थी, लेकिन आपने अपनी स्ट्रीम चेंज करके आप BCOM में चले गए, लेकिन BCOM में भी मैथ्स था आपके पास, तो वो सब्जेक्ट आप यहाँ पे चुन सकते हो। सो जो सब्जेक्ट आपने स्कूल लेवल पे पढ़ा है और ग्रेजुएशन में पढ़ा है वो एटलीस्ट एक मेन सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। MA, MSc, MCOM, ये सब बात हमने करी BSc कोर्स, बैचलर्स के कोर्सेज की, यानी कि BA, BCOM, BSc। अगर हम बात करें जिन लोगों ने पोस्ट ग्रेड करा हुआ है, मास्टर्स करा हुआ है, तो उन लोगों के लिए भी मिनिमम क्राइटेरिया क्या रहेगा, 50% आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे। ये जो पूरी पिक्चर है ये मैंने ऑफिशियली जो वेबसाइट है, ब्रोशर था लास्ट टाइम का, लास्ट ईयर का,
वहां से मैंने एक फोटो क्लिक करी है और आपके सामने रखी है, मतलब मैंने किसी भी वेबसाइट से कॉपी नहीं किया, इट इज डायरेक्टली फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट। द एप्लीकेंट मस्ट हैव एटलीस्ट वन स्कूल सब्जेक्ट, जैसे कि इसमें पहले भी बात की गई थी स्कूल सब्जेक्ट की बीएससी में कि बैचलर्स में एटलीस्ट जो आपने सब्जेक्ट बैचलर्स में पढ़ा हुआ है वो आपने स्कूल लेवल में भी पढ़ा हुआ है। तो सिमिलर चीज अप्लाई होती है मास्टर्स के लिए भी। द स्कूल सब्जेक्ट्स आर, अब जो स्कूल सब्जेक्ट जिनकी हम बात कर रहे थे वो कौन कौन से है, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, साइंस एंड साइंस के अंदर फिर बायोलॉजी, बायोलॉजी में जूलॉजी एंड बॉटनी आ जाता है, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री आ जाता है, इकोनॉमिक्स कॉमर्स हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस होम साइंस, ये आपके सारे मेन सब्जेक्ट्स हैं जिनकी हम बात कर रहे थे अभी। इन बीएड और बीएड स्पेशल, अब ये जो वीडियो बनी है ये बीएड के लिए बनी है, स्पेशल एजुकेशन के लिए नहीं बनी। इफ देयर इज एनी डाउट अप टिल हियर आप कमेंट डाउन करके हमें बता दो एंड वील क्वेरी, उस क्वेरी को हम रिजॉल्व कर देंगे कमेंट्स में ही, कमेंट्स में रिजॉल्व कर देंगे, या अगर उस पर कोई वीडियो लानी होगी वील प्रोवाइड यू विद दैट। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आपके बीएड में उसमें 5 ग्रुप्स होते हैं, इसके बारे में हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे कि वो कौन से 5 ग्रुप्स हैं, तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज मार्किंग स्कीम, जैसे कि मैंने आपको बताया था मार्किंग स्कीम कैसी रहती है, देयर वुड बी अगर पर करेक्ट आंसर आप दोगे, जितने करेक्ट आंसर आप दोगे पर करेक्ट आंसर आपको 3 मार्क्स मिलेंगे प्लस 3, लेकिन इनकरेक्ट आंसर पे आपका -1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। तो मान लेते हैं आपने 2 आंसर्स ठीक करे तो आपको कितने मिल गए, +3 × 2 यानी कि आपको +6 मार्क्स मिल गए, और आपकी एक गलती, तीसरे क्वेश्चन में आपने एक गलती कर दी तो उसमें आपको -1 मिलेगा और टोटल स्कोर आपका कितना हो गया 5। सो जो आपका टोटल स्कोर है उसमें से आपके गलत आंसर्स -1 घटते जाएंगे, इसीलिए पेपर में गलती मिनिमम करना, वही क्वेश्चन करना जिनके बारे में आप 100% कॉन्फिडेंट हो, और अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो ऑब्वियसली आपको वहां पे 0 मार्क्स मिलेंगे। सिलेबस फॉर बीएचयू बीएड 2022, अब सिलेबस किस तरह से रहने वाला है, पेपर के अंदर 2 सेगमेंट्स है, एक सेगमेंट ए एक सेगमेंट बी। जो सेक्शन ए है उसके अंदर हम देख लेते हैं क्या क्या आता है। सेक्शन ए है उसके अंदर एक रीजनिंग आ जाता है आपका, रीजनिंग आप किसी भी रीजनिंग की बुक उठा लो SSC लेवल की, बस एक आपको आइडिया होना चाहिए कि वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग किस तरह से रीजनिंग आता है पेपर में, उसका एक जनरल आइडिया ले लो, और किसका किस तरह का लेवल आता है, मतलब हायर लेवल पे आती है रीजनिंग या उसका लेवल मीडियम रहता है, उसको देखने के लिए आप क्या करो, यू कैन गो थ्रू द प्रीवियस ईयर्स पेपर्स और वहाँ से आप उसका आइडिया, जनरल आइडिया ले सकते हो। सो हम बात कर रहे थे रीजनिंग की, रीजनिंग के बाद आ जाते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, कल हमने डीयू बीएड का बताया था, तो डीयू बीएड में टीचिंग एप्टीट्यूड का अब रिसेंटली 1-2 क्वेश्चन आने लगे हैं, बट बीएचयू बीएड में स्पेसिफिकली मैंशन है द की टीचिंग एप्टीट्यूड में से क्वेश्चन आएंगे। और अगर हम बात करें करंट एजुकेशनल सिनारियो की, सो करंट एजुकेशनल सिनारियो में जैसे कि अभी मैं प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन देख रही थी बीएचयू बीएड का, सो उसके अंदर वर्धा स्कीम के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो करंट अफेयर्स की जो डिटेल करंट अफेयर्स आते हैं जैसे ल्यूसेंट की बुक आती है उसके अंदर ऐसी चीज़ों के बारे में मेंशनड होता है, या बीएड की ही एक बुक होती है, बीएड के लेवल पे एक बुक पढ़ते हैं जिसमें एजुकेशन कमीशन के ऊपर आता है, वो बुक मैं आपको बता दूंगी कौन सी बुक है वो। ऐसी बुक्स को एक बार पढ़ के गो थ्रू करके चले जाओ, या फिर वीडियो कंटेंट भी होता है अवेलेबल होता है जिसके थ्रू आप प्रिपरेशन कर सकते हो, एंड अगर आपको इस एरिया में दिक्कत आए यू कैन कमेंट डाउन एंड वील प्रोवाइड यू विद द प्रॉपर कोर्स, इसके लिए हम आपको प्रॉपर यूट्यूब में वीडियोज दे देंगे ताकि आपका ये वाला सेगमेंट भी कवर्ड हो जाए, ठीक है। अब इसके बाद हमें डिस्कस करना है सेक्शन बी, जो हमारा सेक्शन बी है इसके अंदर जैसे कि पहले मेंशन था कि 5 सब्जेक्ट ग्रुप्स रहने वाले हैं, तो लैंग्वेज मैथ साइंस ह्यूमैनिटी सोशल साइंस, ये ग्रुप्स रहने वाले हैं। सो ये जो ग्रुप्स हैं इसमें जो बच्चा लैंग्वेज का है, लैंग्वेज के बच्चे कौन होते हैं, जो इंग्लिश हिंदी या संस्कृत में मास्टर्स या बैचलर्स करते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स जिनके पास रहता है बैचलर्स में और मास्टर्स में वो मैथमेटिक्स के डोमेन में कवर होंगे। जिन बच्चों के पास बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स होम साइंस एंड या इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, जैसे कि लाइफ साइंसेज में रहता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स रहते हैं,
तो वो बच्चे साइंस के लिए अप्लाई करेंगे, जो बच्चे पॉल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, होम साइंस के हैं वो बच्चे ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के होंगे। सो ये सारे सब्जेक्ट एरियाज हैं, सब्जेक्ट ग्रुप्स हैं। और पर सब्जेक्ट ग्रुप जैसे हमने बात की थी डोमेन ए की, तो डोमेन ए कितने मार्क्स का था? 30 मार्क्स का। ये माइनर सेगमेंट था आपका, जो मेजर सेगमेंट है वो है ये वाला सब्जेक्ट वाला। सो मान लेते हैं आप साइंस के हैं, सो साइंस का जो बच्चा है वो 70 मार्क्स की प्रिपरेशन करेगा साइंस के सिलेबस की, तो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे पेपर में। अगर आप सोशल साइंस के हो तो आपका सोशल साइंस से पेपर बनेगा। अगर आप हिंदी, संस्कृत, ऐसे किसी लैंग्वेज सब्जेक्ट के हो तो वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। सो ये एक जनरल आइडिया है कि पेपर में क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, डोमेन ए एंड डोमेन बी के। तो ये वाला आपका सिलेबस वाला सेगमेंट हो गया। अब इसके बाद आ जाइए जो मैंने आपको जैसे कि ग्रुप्स बताए थे, 5 ग्रुप्स है, ए बी सी डी ई। लैंग्वेजेस, जो लैंग्वेज वाला ग्रुप है वो भी ऑलरेडी डिस्कस किया है। और यहाँ पे ना कोर्स कोड है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, कोर्स कोड का आगे क्या करना है आपको बाद में पता चलेगा। ये सब्जेक्ट्स थे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ मैं। और जैसे कि फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस में डिस्टिंक्शन रहता है, साइंस पहले थी ए और बी, ए और बी सेगमेंट होते थे, अब उनका नाम रख दिया है साइंस, लाइफ साइंसेज वाला और फिजिकल साइंसेज वाला। सो जो बच्चों के पास लाइफ साइंसेज होती है वो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री पढ़ते हैं और होम साइंस पढ़ते हैं, और जिन बच्चों के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स रहती है उनको हम इंक्लूड करते हैं फिजिकल साइंसेज में। सो ये एक जनरल आइडिया था, तभी 5 ग्रुप्स बन जाते हैं, अदरवाइज 4 ही ग्रुप्स हैं। साइंस के 2 डिविजन है, ए एंड बी, फिजिकल साइंसेज और लाइफ साइंसेज। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अगर कोई डाउट हो किसी भी चीज़ में यू कैन कमेंट डाउन, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। किसी और चीज़ की वीडियो लानी है, किसी और चीज़ का सिलेबस पूछना है, इवन आज कोई भी क्वेरी है आप हमें बता दीजिए, वी मेक अ वीडियो ऑन दैट। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डिटेल्स ऑफ द ग्रुप वाइज सीट्स। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की जब आप प्रिपरेशन करते हो तो बहुत ज़्यादा क्रूशल रहता है कि मुझे पता हो भाई मेरे पास कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, मैं कितनी मेहनत करके जाऊँ कि मेरे पास वो सीट मेरी रिजर्व हो, मतलब मेरे पास पक्की मैं एक सीट कर लूँ। सो कॉम्पिटिशन को अगर हम देखें तो देखिए, अगर आप लाइफ साइंसेज के हैं तो ये आपके पास टोटल सीट्स हैं जिसमें आपके पास 1, 2, 3, 4 कॉलेजेस के ऑप्शंस हैं। कॉलेज कौन सा? फैकल्टी ऑफ एजुकेशन कमाचा एंड राजीव गांधी साउथ कैंपस, और वसंता कॉलेज फॉर वुमेन राजघाट, एंड आर्य एलिया डिग्री कॉलेज। तो ये 4 कॉलेजेस हैं BHU के जो आपको BEd के लिए प्रिपेयर करते हैं। और इन सारे कॉलेजेस में आप देख सकते हो कि अलग अलग स्ट्रीम में, कि फिजिकल साइंस में, लाइफ साइंस में, मैथ्स में, ह्यूमैनिटीज में क्या क्या सीट्स अवेलेबल हैं। और आप ये भी देख सकते हो कि अगर मैं खाली एक पर्टिकुलर कॉलेज के लिए टारगेट कर रही हूँ तो उसमें कितने सीट्स हैं जो मेरे पास, मेरे को कॉलेज टारगेट करना है। सो फॉर से आप फिजिकल साइंस के हो, सो फिजिकल साइंस का बच्चा देखेगा कि मुझे अगर ये वाला कॉलेज टारगेट करना है तो कितनी सीट्स हैं और मुझे कितने कॉम्पिटिशन को फेस करना है। सो यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितनी सीट्स हैं। ठीक है, और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, सेव कर लेना, ताकि फ्यूचर के रेफरेंसेस के लिए आप काम कर सकते हो इससे। सो फार हमने डिस्कस किया कि आज की वीडियो में क्या क्या सिलेबस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अभी तक इसका ऑफिशियल ब्रोशर नहीं आया है, और जो एग्जाम है, एग्जाम होगा आपका अक्टूबर 6 के आसपास, 3 को आपका एडमिट कार्ड आउट हो जाएगा। जैसे कि अभी तक मेरे जानने में आया है, जो सोर्सेज हमारे हैं उन्होंने यही बताया कि अक्टूबर में आपका पेपर होगा। सो आपको अपनी प्रिपरेशन ऐसे करनी पड़ेगी कि अगर पेपर अक्टूबर में है तो आप अभी से प्रिपरेशन उसकी स्टार्ट कर दो। गो थ्रू दी वेरियस एजुकेशनल, जो मैंने आपको बताया था कि करंट एजुकेशनल सिनारियो पे क्वेश्चन है। सो अभी करंट अफेयर्स जो चल रहे हैं, जो पेपर में आए थे पिछले साल या उससे पिछले साल के जो पेपर थे उनको गो थ्रू करो, जो अलग अलग एरियाज हैं उनको कवर करो, अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करो, एंड देन आप कोई भी चीज़ हो, आपको प्रिपरेशन करनी हो, आप हमारे चैनल पर पोस्ट कर सकते हो। विल डेफिनेटली कम बैक, रिजॉल्व योर इशू, या हम आपको पोस्ट करके वीडियोज के थ्रू आपको आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग।